रेल यात्रियों सहित स्थानीय भिक्षु, दिव्यांगों, विक्षिप्त झुग्गियों में रहने वाले रिक्शा चालकों को दिए जा रहे कल्याण भोजन। स्थानीय भारतीय फाउंडेशन बरौनी के द्वारा लगातार जब से बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, स्थानीय जरूरतमंदों के साथ साथ रेलवे स्टेशन बरौनी जंक्शन से वैसे यात्रियों को बनाया भोजन कल्याण भोजन के नाम से सेवा दे रही है, जिन्हें लॉकडाउन के कारण पैसे रहते भी भोजन नहीं मिल पाता है। 5 मई 2021 से यह सेवा जारी है। इस संबंध में फाउंडेशन के निदेशक संजय आनंद ने बताया कि हम 5 मई 2021 से स्थानीय जरूरतमंदों के साथ साथ वैसे लोग भी भोजन मुहैया करा रहे हैं जो यात्रा में हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण भोजन पैसे रहते नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस कार्य में स्थानीय लोग के साथ साथ रेल कर्मियों का भी सहयोग मिल रहा है। इस कार्य को सफल बनाने में प्रमोद राम, सुबोध कुमार, मुकुल मयंक, राजनारायण मिश्रा, राजेश रंजन, राजेश कुमार मिश्रा आदि वॉलंटियर्स का सहयोग सराहनीय है। बीएनपी न्यूज के लिए तेघड़ा से मैं राज आलम की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आज 17 मई 2021 का दिन और हमारे राहत केंद्र के सामने जो नियमित कल्याण भोजन का लाभ लेने वाले जो यहाँ पहुँचते हैं, उनको हमारे वॉलंटियर राजेश भोजन सर्व कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग वितरण के लिए निकलेंगे। यहाँ जो भी कोई बाकी आएंगे तो यहाँ से उनको उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ हमने जो रिक्शा चालक हैं उन्हें भी भोजन इन लोगों को दे दीजिए, उनको भी दे दीजिए, वो पीछे वाले हैं अगर इनको भी दीजिए। आइए, अग्रवाल बेचारा 10-20 देरी हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ऊपर का लोग छथिन, वो बहुत नंबर लोग छथिन। बच्चे के साथ ही है। अच्छा, जय हो मालिक। ठीक ठीक, लक्ष्मी पीती रहते ना।